बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको इस वीडियो में पीसीसी के ऊपर बात करेंगे और पीसीसी का अपॉइंटमेंट लेके बताएंगे किस तरह मिलती है पीसीसी का अपॉइंटमेंट, और इसमें आईडीबी रजिस्ट्रेशन करके बताएंगे। बहुत ज़्यादा भाई लोगों के सवाल है कमेंट से, भाई पूरा प्रोसीजर बताइए, आईडी रजिस्ट्रेशन किस तरह करते हैं, सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। और ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए क्योंकि मैंने हर पार्ट को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों के हिंट क्वेश्चन में सवाल आ जाते हैं, तो किसी का पेमेंट मेथड में, तो किसी का अपॉइंटमेंट में, किसी के डिस्ट्रिक्ट में, तो मैंने हर स्टेप को इसके अंदर क्लियर किया है। इसलिए वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए, आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के लिए मेहनत बहुत कोई भी करता है, यूट्यूबर कोई भी, उसको प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही अच्छी मेहनत करता है। और अगर मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैंने इस वीडियो में सारी चीज़ को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, कोशिश किया है और आपको सारी चीज़ समझ में आई। चलिए हम अपने होम स्क्रीन पर चलते हैं, आपको पीसीसी का अपॉइंटमेंट लेके बताएंगे, उसमें रजिस्ट्रेशन किस तरह करना है बताएंगे, और पेमेंट का तरीका A to Z सारी चीज़ें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। हम आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करते हैं और सारी चीज़ को समझाते हैं कि आईडी रजिस्ट्रेशन से लेकर पीसीसी अपॉइंटमेंट तक का प्रोसीजर क्या है। और इसके अंदर इंशाल्लाह एक लास्ट में एक स्टेप बताएंगे जिसे आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी पीसीसी अपॉइंटमेंट जो है कुछ सेकंड के अंदर ही आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। तो वो क्या प्रोसीजर होगा इंशाल्लाह वीडियो के लास्ट में वो प्रोसीजर इंशाल्लाह हम आखिर में बताएंगे आपको क्या करना चाहिए कि आपको इंशाल्लाह सेकंडों में आपको पीसीसी मिल जाएगी। सबसे पहले आपको करना क्या है, गूगल में आ जाना है। गूगल में आने के बाद आपको लिखना है पासपोर्ट सेवा, तो आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा, देख सकते हैं पासपोर्ट सेवा, आप इसी पर क्लिक कीजिएगा। तो आपके सामने से स्टेप इंटरफेस होगा, आप इसे पहले ऐड को कट कर लीजिएगा। यहाँ ऊपर में आपको चार ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, न्यू यूज़र और एक्सटेंशन यूज़र लॉगिन। तो सबसे पहले हमको आईडी रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद हम इस पर एक्सटेंशन यूज़र लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जिनके आईडी रजिस्ट्रेशन है उनको यहाँ क्लिक करना है, एक्सटेंशन यूज़र लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा। सबसे पहले चलिए हम आपको न्यू यूज़र आईडी बनाना बताते हैं किस तरह बना। बहुत सिंपल प्रोसीजर है, बस आप स्टेप बाई स्टेप फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह अपने से बना लीजिएगा। और कोई भी प्रोसीजर को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आपको आगे का स्टेप फिर समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे हम। तो देख सकते हैं नेक्स्ट पेज ओपन हो गया, यूज़र रजिस्ट्रेशन। यहाँ आपके सामने कुछ स्टेप है जिसे हम बता देते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह हम रजिस्ट्रेशन करके यहाँ सबमिट करेंगे। सबसे पहले हम इसे जूम कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं पासपोर्ट ऑफिस, इसमें आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे, आप वहीं रहने देंगे। उसके बाद यहाँ लिखा है पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट, आप इस पर क्लिक कीजिएगा। और क्लिक करने के बाद आप हिंदुस्तान में, इंडिया में किस स्टेट के रहने वाले हैं, तो जैसे मान लीजिए मैं बिहार से हूँ तो मैं यहाँ पटना सेलेक्शन करूँगा कि मेरा कैपिटल पटना ही है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, नीचे आपको आ जाएगा गिव यू फुल नेम, ओके कहते हैं गिव नेम, यानी आप अपना पहला नाम डाल, जैसे मेरा नाम शाबू है। सर नेम, तो मेरा लास्ट का नेम मैं डाल दूँगा हुसैन, ओके। और उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, अपनी यहाँ डेट ऑफ बर्थ सेलेक्शन करेंगे हम। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्शन करने के बाद यहाँ आपकी ईमेल आईडी मांग रहा है, यहाँ आप अपनी ईमेल आईडी डालिएगा। आपको वही ईमेल डालना है जो आप यूज़ करते हो, क्योंकि अगर अदर ईमेल डालेंगे तो फिर आप हो सकता है भूल जाए, फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाए। उसके बाद यहाँ आपको, अब इसके बाद यहाँ लिखा है डू यू वांट यू लॉगिन आईडी सेम ईमेल, अगर आप नो करेंगे तो आपको नेक्स्ट ईमेल डालना पड़ेगा, यानी सेकेंड ईमेल आपको जो दूसरी ईमेल है। अगर आप यस करेंगे तो यही जो ईमेल है वही ईमेल आपकी आ जाएगी। अब यहाँ पासवर्ड, पासवर्ड में लोगों को थोड़ा सा डाउट हो जाता है, कहीं मैं बता दूँ, क्लियर कर दूँ, लोग अपने जीमेल का ही पासवर्ड डाल देते हैं, तो ऐसा नहीं है, आप अपने जीमेल का ही पासवर्ड डाल सकते हैं। अगर यहाँ चाहें कि अपना न्यू ईमेल पासवर्ड बनाना चाहते हैं, पासवर्ड यानी ईमेल आपकी सही रहेगी, पासवर्ड अलग रहेगा, ठीक है, आप अपना नया पासवर्ड बना सकते हैं, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड। उसके बाद नीचे आपको हिंट क्वेश्चन, हिंट क्वेश्चन में आपको करना है कि जैसे आप सिलेक्शन करेंगे तो आपसे तीन चार ऑप्शन पूछेगा, फेवरेट क्रिकेटर, फूड, फर्स्ट टाइम स्कूल और मदर्स नेम, मदर मिडिल नेम, आप अपनी माँ का बीच का नाम डाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी माँ का कुछ भी नाम है, मम्मी का कुछ भी नाम है, मिडिल नेम डाल सकते हैं। और क्वेश्चन में आपको वही नाम जो आपकी मदर का डाल सकते हैं, ये इसलिए कि आपकी आईडी कभी आपको भूल जाए, यूज़र आईडी भूल जाए, फॉरगेटिंग में यही आपको पूछा जाएगा कि आपके आपने जो यहाँ हिंट क्वेश्चन में डाला है ये चीज़ वहाँ फॉरगेटिंग के टाइम में काम आएगी, जब आप अकाउंट भूल जाएंगे तब, इसलिए ये यहाँ पूछा जाता है, यही चीज़ आपको वहाँ डाल रहे हो कि आपने क्या सिलेक्शन किया। चलिए अब इसके बाद हम इस कैप्चर इमेज कोड को यहाँ डालेंगे। उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। तो देख सकते हैं हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो हम होम पे आ जाएंगे।
होम पे आने के बाद हम अपने ईमेल को एक्टिव करेंगे, हमारे अकाउंट को एक्टिव करेंगे। चलिए अपना ईमेल में हम चलते हैं और वहाँ से अपने अकाउंट को हम एक्टिव करते हैं। तो देख सकते हैं हमारा ईमेल आया हुआ है पासपोर्ट की तरफ से, पासपोर्ट एडमिन। ओके, हम इसे ओपन देख सकते हैं, हमको एक लिंक मिला हुआ है, इस लिंक पर हम क्लिक करेंगे और हम अपने अकाउंट को एक्टिव करेंगे। अब जो आपके ईमेल पे जो लिंक है उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने से नेक्स्ट पेज ओपन होगा इस तरह। अब आपको यहाँ करना क्या है, आपको इंटर योर आईडी इस पर क्लिक करना है और अपनी आईडी डालना है, जो आपने वहाँ मेल डाला था उसी आईडी को डालने के बाद आप यहाँ लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा। देख सकते हैं योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेट सक्सेसफुली। अब इसके अंदर आपका कोई भी काम नहीं, आपका अकाउंट अपडेट हो गया, सक्सेसफुली सबमिट हो गया। अब आपको करना क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया, अब सारे कुछ कंप्लीट। अब हम यहाँ से पीसीसी के अपॉइंटमेंट की तरफ चलेंगे, तो हम फिर आ जाएंगे अपने होम पासपोर्ट सेवा पेज पे आ जाएंगे। अभी हम आ जाएंगे सेकंड नंबर पे, जो जैसे मैंने बताया यूज़र लॉगिन पे हम क्लिक करेंगे और अब हम यहाँ वो जो हमारा अकाउंट एक्टिवेट हुआ हम यहाँ यूज़र आईडी डालेंगे। सिंपली हम यूज़र आईडी डालेंगे, अब यहाँ से जो प्रोसीजर चालू होगा पीसीसी अपॉइंटमेंट का होगा, ठीक है। लेंगे कंटिन्यू क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पासवर्ड डालेंगे, इस इमेज कोड को यहाँ डालेंगे, लॉगिन क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं आपके सामने से हमारा अकाउंट ओपन हो गया। आप इस अकाउंट को सेव भी कर लेंगे तो दोबारा आपको पासवर्ड डालने का बार बार झमेला नहीं होगा। अब देख सकते हैं आपके सामने यहाँ इस टाइप का एप्लीकेशन होम पेज ओपन हो गया। अब यहाँ से पीसीसी अपॉइंटमेंट आपको लेनी है, किस तरह लेनी है हम यही आपको बताएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ आपको सेकेंड नंबर थर्ड नंबर पर अप्लाई फॉर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ठीक है, आप इस पर क्लिक करेंगे। तो देख सकते हैं आपके सामने दो ऑप्शन है, एप्लीकेशन फॉर ऑनलाइन और एक है ऑफलाइन सॉफ्ट कॉपी फॉर्म, ठीक है। तो हम लोग ऑनलाइन पे चलते हैं पहले ऑप्शन पे और यहाँ हम क्लिक करेंगे। अब देख सकते हैं आपके सामने से स्टेट और डिस्ट्रिक्ट ये दो चीज़ आई है। सबसे पहले हम स्टेट पे क्लिक करेंगे और बिहार से हैं, हम बिहार को क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे। अब यहाँ डिस्ट्रिक्ट आप देख सकते हैं बिहार में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ जहाँ पीसीसी का अपॉइंटमेंट मिल रही है वो सारे डिस्ट्रिक्ट आ गए। अब आपको अपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लिया है। डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, पासपोर्ट नंबर, उसके बाद आपका डेट ऑफ इशू यानी आपका पासपोर्ट इशू कब हुआ, पासपोर्ट की एक्सपायरी, उसके बाद प्लेस ऑफ इशू यानी आपका पासपोर्ट कहाँ इशू हुआ वो डालना है। देख सकते हैं आपके सामने दो ऑप्शन आ रहा है, पहले लिख रहा है कि पीसीसी रिक्वायर्ड कौन कंट्री के लिए, आप किस कंट्री के लिए पीसीसी रिक्वायर्ड है, और दूसरा पीसीसी आपको किस लिए चाहिए। सबसे पहले आप यहाँ सिलेक्शन करेंगे तो आपको अफगानिस्तान, अलम्बिया, जितने भी दुनिया में है जहाँ जहाँ पीसीसी लग रहा है, अगर आप सऊदी अरब के लिए आना चाहते हैं, किसी अदर कंट्री के लिए जाना चाहते हैं, जहाँ भी आप जा सऊदी अरबिया, ओके। अब यहाँ पूछ रहा है कि किस पर्पज़ से आना चाहते हैं, तो काम के लिए आना चाहते हैं, पढ़ने के लिए आना चाहते हैं, सारी चीज़ें टूरिस्ट के लिए आना चाहते हैं परमिट, ठीक है। आप यहाँ वर्क परमिट पर क्लिक करिए, अगर काम के लिए आते हैं तो आप काम का सिलेक्शन कर लेंगे, अगर पढ़ने के लिए आते हैं तो पढ़ने का सिलेक्शन, घूमने टहलने के लिए टूरिस्ट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, ठीक है। और सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद अपने में भी आ जाएगा। सबसे पहले देख सकते हैं जिस जिसके सामने स्टार लगा है रेड कलर का वो मैंडेटरी यानी वो उसको आपको भरना कंपलसरी। देख सकते हैं यहाँ लिखा है गिव नेम यानी आपको नाम डाल देना, ठीक है। उसके बाद से सर नेम कंपलसरी नहीं, आप चाहे तो डाल सकते नहीं तो नहीं डाल सकते। उसके बाद एग्जेंड मेल, उसके बाद यहाँ लिखा है जेंडर, अब मेल है फीमेल है क्या है ये कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद से प्लेस ऑफ बर्थ, विलेज, सिटी, टाउन, आप जिस सिटी के वो डाल दें, ठीक है। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ, ये दोनों मैंडेटरी ज़रूरी है। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, तो आप यहाँ बर्थ कर दिएगा कि हम इंडियन ही हैं। और इसके बाद यहाँ आपको पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, और इसके बाद से एम्प्लॉय टाइप, ठीक है, इसको कंपलसरी है, और शादीशुदा है कि कुंवार है ये डालना ज़रूरी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालना ज़रूरी है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 चीज़ें यहाँ पे कंपलसरी है, ठीक है। चलिए हम एक एक करके फिल कर, देख सकते हैं यहाँ आधार नंबर ज़रूरी है, कंपलसरी है, विदाउट आधार नंबर के फॉर्म फिलअप नहीं होगा। तो यहाँ हमने अपना आधार नंबर डाल लिया है, ओके। आधार नंबर डालने के बाद हम अपना नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब इसके सामने फैमिली डिटेल्स इंफॉर्मेशन, अब यहाँ हमको फैमिली डिटेल्स की इंफॉर्मेशन डालनी है। चलिए एक एक करके हम पहले फिलअप करते हैं, उसके बाद हम बताते हैं आपको किस तरह करना है। ये डिटेल सबमिट करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा।
अब देख सकते हैं आपके सामने से नेक्स्ट पेज ओपन होगा। अब यहाँ आपको लिख रहा है प्रेजेंट रेसिडेंट एड्रेस, अब आपने गांव का जो भी आपका एड्रेस है यहाँ डालना है। तो सबसे पहले आपको हाउस नंबर डालना है, फिर विलेज डालना है, स्टेट डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है, पुलिस स्टेशन डालना है, पिन कोड डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, टेलीफोन नंबर इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको ईमेल आईडी कंपलसरी है वो डालना है, और एड्रेस सारा कुछ डालने के बाद आप यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। तो अब आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हुआ है अदर डिटेल्स, यहाँ सारे ऑप्शन को आपको नो 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 ही करना है, ठीक है। करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। तो देख सकते हैं आपके सामने जो नेक्स्ट पेज ओपन हुआ है, अब यहाँ प्लेस प्लेस पर अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है आपको, ओके। उसके बाद जो डेट है ये ऑटोमेटिकली आएगी, जो आज की डेट है करंट डेट है ये ऑटोमेटिकली आएगी। आई एग्री पे क्लिक करना है आपको, आई एग्री पे क्लिक करने के बाद सबमिट फॉर्म पे क्लिक करना है। तो देख सकते हैं आपके सामने अपने, तो देख सकते हैं यहाँ सर्विसेज में सबसे पहले सेव सबमिटेड एप्लीकेशन पे क्लिक करना है आपको, ओके। जो हमने अपना बायोडाटा सबमिट किया, अगर आपने किसी और का भी किया होगा तो वो भी आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान ली मैंने जो अपना बायोडाटा सबमिट किया था, हम इस पर क्लिक करेंगे, आ गया है। अब यहाँ हमसे पूछा जा रहा है पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट क्लिक करेंगे, इसके बाद देख सकते हैं आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन है। अब यहाँ हमको पेमेंट करना है, और पेमेंट करने के बाद ऑनलाइन पेमेंट होगी, और उसके बाद अब हमको इंशाल्लाह अपॉइंटमेंट की डेट मिली कि हमारी पीसीसी का अपॉइंटमेंट क्या है। तो यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले स्टेट बैंक का है, आप इस पर क्लिक कीजिएगा, ओके, फिर नेक्स्ट क्लिक करेंगे। UPI स्टेट बैंक यानी जैसे इंडिया में गूगल पे पेटीएम जो यूज़ कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट देख सकते हैं रेफरेंस नंबर आ गया, नाम आ गया, लास्ट नेम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया, इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ आपके सामने सी स्टेप से एप्लीकेशन ओपन हुआ है, सबसे पहले आप लोकेशन पे क्लिक करेंगे, यानी आपको कौन सी जगह पे चाहिए पीसीसी की, यहाँ क्लिक करेंगे सेलेक्ट पे। तो देख सकते हैं पीसीसी जो मिल रही है पोस्ट ऑफिस की तरफ से मिल रही है, और पीसीसी कहाँ कहाँ हो रहा है टोटल बिहार के आपको आ गए। तो आपका जो डिस्ट्रिक्ट है आप उसको चेक करेंगे, यहाँ आपके डिस्ट्रिक्ट का यहाँ कहाँ है ऑफिस, सासाराम, ठीक है, सीतामढ़ी, बेगूसराय, सिवान, जमुई, औरंगाबाद, डालमिया नगर। तो आपका जो भी होगा आप यहाँ से सिलेक्शन कर लेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ सिलेक्शन करते हैं, ओके, ये कर लिया, और इसके बाद इस इमेज कोड को यहाँ हम डालेंगे, इस सारे कैपिटल में डालना है आपको, स्मॉल में नहीं डालेंगे वरना एक्सेप्ट नहीं लेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो देख सकते हैं अपॉइंटमेंट अवेलेबल आ गया है, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं पटना में 16/11 को डेट मिल रही है, 10 की मिल रही है यानी 14 अक्टूबर की मिल रही है। इसके बाद आपको पूर्णिया में आपको 17 की मिल रही है। उसके बाद नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल यानी पूरे बिहार में कहीं भी अवेलेबल डेट नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं हम नीचे तक आ जाए सासाराम तक में भी कोई डेट अवेलेबल नहीं है। हम चलिए अगर आपको डेट लेनी है, चेक करना है, तो आप सिंपली यहाँ क्लिक कीजिएगा, मान लीजिए जैसे पटना है, पटना में डेट मिल रही है, तो आप पटना को सिलेक्शन कीजिएगा अगर आप पटना के रहने वाले हैं तो, और BNGBT नेक्स्ट क्लिक कीजिएगा। देख सकते हैं आपके सामने से इस टाइप से पेज ओपन होगा, अभी यहाँ से पेमेंट का मेथड और डेट का ऑप्शन शुरू होगा, ठीक है। अगर आपको जो डेट मिल रही है जैसे पटना मिल रही है, पटना में 4 जगह टोटल डेट मिल रही है और बाकी पूरे बिहार में कहीं भी डेट नहीं है, तो जो पटना के लोग रहने वाले, जो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले, उन लोगों के लिए ये प्रोसीजर सबके लिए सेम ही है। तो जिनकी डेट मिल रही है, जो पटना के हैं या जो बिहार के किसी भी स्टेट के, अगर उनके स्टेट में डेट मिल रही है तो वहाँ क्लिक करना, अगर डेट होगी तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा, नहीं तो वहाँ लिख देगा नो डेट अवेलेबल, ओके। तो यहाँ डेट पर सिलेक्शन करना है सबसे पहले, और देख सकते हैं जो रेड में है वो डेट आपको नहीं मिलेगी, और जो आपको ग्रीन में है जैसे 16, 17, 18 और उसके बाद से 21, 27, एक चीज़ मैं बता दूँ, जबकि डेट आपको मिल रही है आप डेट को बुक कर लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए मुझे अभी 16 की डेट मिल रही है, हम 16 की डेट क्लिक कर लिया, पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करेंगे हम, देख सकते हैं वेलकम टू SBI पेपल, यानी आपके बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं पेमेंट के मेथड के लिए। सबसे ज़्यादा लोग गूगल पे पेटीएम ही यूज़ करते हैं, UPI।
आप इसको क्लिक कीजिएगा। यहाँ से देखिए हमारी पूरी डिटेल्स आ गई और यहाँ 4 मिनट का टाइम है 5 मिनट का टाइम है। और यहाँ सबसे अच्छा आप क्यू आर कर लीजिएगा, कंफर्म कीजिएगा। क्यू आर आ गया, आप यहाँ क्यू आर कीजिएगा और 500 रुपया लगेगा आपका पीसीसी की अपॉइंटमेंट का, ठीक है। और डायरेक्टली ये आपके अकाउंट से 500 कट जाएगा। पे नाउ पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ टोटल 3 मिनट का टाइम दिया है और आपको एक रेफरेंस नंबर इशू हो जाएगा, टिकट नंबर, और फिर आप अपना एक फाइल बना लीजिएगा। अब बहुत ज़्यादा लोगों की रिक्वायर्ड है कि हम क्या क्या डॉक्यूमेंट दीजिए, तो ओरिजिनल पासपोर्ट, आधार, पैन कार्ड, स्कूल सर्टिफिकेट और जो जो चीज़ें आपने वहाँ सबमिट किया था पासपोर्ट बनाते वक्त, सेम सारी चीज़ें आप वहाँ लेके जाइएगा, इंच पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। तो आई होप इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल्स में क्लियर कर, जैसे मैंने आपको शुरू में बोला था कि आपको क्या करना चाहिए कि आपको अपॉइंटमेंट फ़ौरन मिल जाए। पीसीसी अपॉइंटमेंट के लिए आपका 1 सेकंड इंपॉर्टेंट रखता है। अगर आप पीसीसी का अपॉइंटमेंट लेने जा रहे हैं, हो सकता है आगे चल के इंशाल्लाह कुछ दिन में ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए, क्योंकि इसके अंदर और चीज़ें बढ़ाई जाएंगी इंशाल्लाह आगे चल के, पर अभी आपके लिए 1 सेकंड इंपॉर्टेंट रखता है। अगर आपको पीसीसी की अपॉइंटमेंट चाहिए तो सबसे पहले आपको जिस टाइम ऑफिस खुलती है सेम टाइम में ही आपको पीसीसी का सेम टाइमिंग में आप अगर उस टाइम अप्लीकेशन को ओपन करेंगे और डालने के बाद अपनी अपॉइंटमेंट का सिस्टम का ओपन करेंगे और इंशाल्लाह जैसे वहाँ अपडेटिंग चालू होगी कि हाँ इस बंदे का पीसीसी कंप्लीट हो गया में ही हो सकता है, वहाँ जैसे ही उन लोग अपडेट करेंगे वैसे ही आपका सिस्टम खाली होगा, वैसे ही आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। यानी थोड़ा सा आपको मेहनत ज़रूर करना पड़ेगा। आप सोचे विदाउट मेहनत के हम बैठे रहे, एक बार चेक करा किसी टाइम भी वक्त मिला हम चेक करा आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसके अंदर काला बाजारी भी चालू हो गई है, एजेंट लोग ने भी बहुत सारे लोगों को ठगना शुरू कर दिया है पीसीसी के ऊपर लेके। पर मेरी आपसे रिक्वायरमेंट यही है और रिक्वेस्ट यही है कि आप यहाँ कोशिश करें, मेहनत करें और अपनी पीसीसी चेक करते रहें, इंशाल्लाह आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक रखिए बेहतर ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।